ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। देखेगा घबराना नहीं। सब क्या देखना पड़ रहा है? देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मीडिया अपना काम निष्पक्ष व ईमानदारी से करता तो मीडिया का ये हाल कभी नहीं होता। एक वक्त था जब जनता के लिए पत्रकार जनता के बीच जाके जनता के लिए आवाज उठाते थे, लेकिन आज जनता ही पत्रकार को सरकार की पत्रकार कह के भगा देते हैं। मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, दरअसल देश के 7 महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अभी जांच करेगी तब एफआईआर होगी। पहलवान जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी को लेकर आज तक के रिपोर्टर व एंकर श्वेता सिंह रिपोर्टिंग करने गई, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने श्वेता सिंह को गोदी मीडिया के नारे लगाकर वहां से भगा दिए। अब लोग भी श्वेता सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। तो ऐसी पे यूजर लिखते हैं, ये 2000 के नोट में इलेक्ट्रॉनिक चिप बताने वाली गोदी मीडिया की एंकर है। इस चाटुकार के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। तो कांग्रेस नेत्री अलका लांबा लिखती हैं, कभी गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी में गर्व से आंसू झलके थे, आज इंसाफ के लिए पीड़ा में बह रहे आंसू, हृदय विदारक। सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। तो वैसे आप इन विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।